राज माओ बिल्ला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। और मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है और मैं हमेशा कोई ना कोई नई जानकारी लेके आती रहती हूँ। तो आज करवा चौथ है तो हमने सोचा कि करवा चौथ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे पता है आप सभी को दी जाए। तो हम आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी करवा चौथ के बारे में देंगे आज कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि सती सावित्री के जब पति का देहांत हो गया और यमराज उनके पति के को लेने आए, उनके पति की आत्मा को लेने आए, तो सती सावित्री वहीं पे रोने लगी, बिना खाए अन्न जल त्याग के रोने लगी और अपने पति के शव के पास बैठी हुई विलाप कर रही थी। तो ये चीज़ देख के यमराज को थोड़ा दया आई तो उन्होंने बोला कि बेटी तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तो सती सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मुझे ढेर सारे पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो यमराज जी ने दे दिया। अब यहीं पे यमराज जी ने वरदान दे के फंस गए क्योंकि सावित्री तो सती थी, अपने पति को के सिवाय वो किसी पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो यमराज जी फंस गए और जब फंस गए तो अब क्या करें, अब उनको उनके पति को जीवित करना ही पड़ा, पति के बिना तो पुत्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती। तो इस प्रकार सती सावित्री ने जो पूरा दिन अन्न जल त्याग के अपने पति की प्राणों की सुरक्षा के लिए उनके शव के पास बैठी रही और यमराज जी से उनके प्राण वापस लिए, उसी उपलक्ष में देश की सारी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, ऐसी एक मान्यता है जो मुझे पता है। और अगर आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मुझे भी आगे बढ़ाइए, मैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियां लेके आऊँगी। मेरे चैनल को प्रीतिराज माओ बिल्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे भी थोड़ा लगे कि नहीं मैं अच्छा काम कर रही हूँ और शॉर्ट वीडियो मैं मनोरंजन के लिए बनाती ही रहती हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिए। जय माता।